मूवी की शुरुआत में हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि एक घर पर हुए मर्डर्स की तहकीकात कर रहे होते हैं। वो लोग घर के अंदर जाते हैं, वहाँ उन्हें कई सारी डेड बॉडीज मिलती है। घर के अंदर टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा होता है जिसमें एक प्रीच भगवान को लेकर अच्छी अच्छी बातें बता रहे होते हैं। फिर पुलिस ऑफिसर्स बेसमेंट में जाते हैं, वहाँ वो लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर सीन 24 घंटे पीछे जाता है, वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैक्सिन होता है, जो ड्रग्स ले रही थी। फिर हम देखते हैं मैक्सिन, वैन और उसके ग्रुप के मेंबर्स बॉबी, उसका बॉयफ्रेंड जैक्सन, लोरेन और उसका बॉयफ्रेंड आरजे गाड़ी से अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे होते हैं। वैन प्रोड्यूसर है, आरजे डायरेक्शन और लोरेन माइक का काम देखती है और जैक्सन फिल्म में लीड एक्टर है। वैन सबको स्क्रिप्ट देता है और वो लोग अपनी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। फिर वो लोग एक मेस मार्ट पर रुकते हैं और अपनी जरूरत का कुछ सामान लेते हैं। वहाँ मैक्सिन वैन को कहती है कि वो पूरी दुनिया में फेमस होना चाहती है। वैन उसे सब्र करने को कहता है। फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत जाम मिलता है। किसी ने ट्रक से एक जानवर को कुचल दिया था जिसकी वजह से यह जाम लगा होता है, जिसे देखकर मैक्सिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। फिर वो लोग एक बंगलो पर पहुंचते हैं। ये वही बंगलो है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वैन डोरबेल बजाता है तो घर का मालिक बाहर आता है जिसका नाम हावर्ड है। वो बाहर आकर वैन पर गन तान देता है। फिर वैन उसे बताता है उसने पहले ही उससे वहाँ रहने की इजाजत ले रखी है। फिर हावर्ड को याद आ जाता है। हावर्ड उन्हें उनके रहने की जगह दिखाता है। मैक्सिन नोटिस करती है कि विंडो से एक लेडी उन्हें देख रही है। ये हावर्ड की बीवी पर्ल है। फिर वैन हावर्ड को उसके रेंट के पैसे दे देता है। लोरेन वैन पूछती है क्या हावर्ड को पता है कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं, तो वो कहता है उसे नहीं पता। फिर वो लोग फिल्म की शूटिंग करते हैं। दरअसल वो लोग वहाँ एडल्ट मूवी शूट करने आए थे। फिर जैक्सन और बॉबी सीन शूट करना शुरू करते हैं। मैक्सिन वहाँ से बाहर निकलकर घूमने लगती है और लेक के पास जाकर उसमें पैर डाल के बैठ जाती है। फिर हम मैक्सिन के पीछे कुछ दूर पर्ल को खड़े देखते हैं जो मैक्सिन को घूर रही होती है। फिर मैक्सिन अपने कपड़े उतार कर लेक में स्विमिंग का आनंद लेने लगती है। वहीं हम कुछ दूर एक मगरमच्छ को पानी में तैरते हुए देखते हैं जो कि मैक्सिन की तरफ ही बढ़ रहा होता है, पर इससे पहले कि वो मैक्सिन पर हमला करता वो पानी से बाहर आ जाती है। फिर शूट खत्म होने के बाद हम वैन और आरजे को बात करते हुए देखते हैं। वो अपनी मूवी को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। इधर मैक्सिन पानी से बाहर आकर वापस अपने शूटिंग प्लेस पर जा रही होती है, तभी उसे पर्ल दिखाई देती है जो मैक्सिन को अपने पास बुलाती है। पर्ल मैक्सिन को अपने घर में ले जाती है और उसे नींबू पानी पीने को देती है। फिर पर्ल मैक्सिन को अपनी शादी की फोटोज दिखाती है और बताती है कि ये वर्ल्ड वार के पहले की फोटोज हैं। पर्ल मैक्सिन से कहती है कि वो बहुत सुंदर है। फिर पर्ल मैक्सिन को छूने की कोशिश करती है जिससे मैक्सिन को अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तभी हावर्ड की गाड़ी की आवाज आती है तो पर्ल मैक्सिन से कहती है ये राज वो किसी को न बताए, पर मैक्सिन कुछ समझ नहीं पाती। फिर मैक्सिन वापस अपने प्लेस पर आ जाती है। वहाँ वैन उसे बताता है कि अगला सीन उसका ही है। मैक्सिन अपने शूट की तैयारी करती है और शूट पर जाती है। शूट पर मैक्सिन जैक्सन के साथ इंटीमेट होती है और अपना शूट खत्म करती है। मैक्सिन जब शूट कर रही होती है तो पर्ल विंडो से सब कुछ देख रही होती है और वो पर्ल में अपने आप को इमेजिन करने लगती है। फिर रात को पर्ल हावर्ड के पास आती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर हावर्ड उसे रोक देता है क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट है और इतनी एक्साइटमेंट उसका हार्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे उसे हार्ट अटैक आने का खतरा है, इसलिए पर्ल दुखी हो जाती है। फिर सभी लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी लोरेन बोलती है कि वो भी इस मूवी में काम करना चाहती है, जिस पर आरजे उसे मना कर देता है, पर लोरेन अपनी जिद नहीं छोड़ती। वैन आरजे को घर के बाहर ले जाकर समझाता है तो आरजे भी मान जाता है। फिर लोरेन अपने शूट के लिए तैयार हो जाती है और जैक्सन के साथ इंटीमेट होती है और अपना शूट खत्म करती है। वहीं दूसरी तरफ पर्ल अपना पुराना मेकअप का सामान और ड्रेसेस देखती है और मेकअप करके तैयार होने लगती है। फिर हम बाथरूम में आरजे को रोते हुए देखते हैं। वो लोरेन से बहुत प्यार करता था और इसलिए उससे लोरेन को किसी और के साथ नहीं देखा गया। दुख और गुस्से में आरजे बाहर आने लगता है और गाड़ी से जब वो गेट पर पहुंचता है तो उसे सामने पर्ल दिखाई देती है। आरजे गाड़ी से बाहर आके पर्ल से पूछता है कि उसकी तबीयत तो ठीक है, पर पर्ल आरजे के करीब आने लगती है और अपने कपड़े उतारने लगती है।
आरजे उसे ये सब करने से रोकता है तो पर्ल उस पर चाकू से बार बार वार करके उसे मार डालती है और उसकी डेड बॉडी के पास डांस करती है और गाड़ी की चाबी लेकर वहां से चली जाती है। यहां हमें समझ आता है पर्ल हवस से भरी हुई है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। अगले दिन हम लोरेन को देखते हैं, उसकी नींद खुल जाती है। उसे आरजे नजर नहीं आता तो वो उसे ढूंढने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वेन भी जाग जाता है तो लोरेन उसे बताती है शायद आरजे गुस्सा होकर कहीं चला गया है। फिर वो दोनों आरजे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लोरेन आरजे को ढूंढते हावर्ड के घर के बाहर पहुंच जाती है और हावर्ड उसे बाहर ही मिल जाता है। वो बताता है कि पर्ल भी घर में नहीं है तो लोरेन बताती है कि आरजे भी कहीं नहीं मिल रहा है। फिर हावर्ड लोरेन को टॉर्च लेने अपने घर ले जाता है और उसे टॉर्च लेने बेसमेंट में भेज देता है। टॉर्च लेकर जब वो वापस आने लगती है तो वो देखती है कि हावर्ड ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया है। यहाँ ये पता लगता है कि हावर्ड भी अपनी बीवी पर्ल के साथ मिला हुआ है। लोरेन बेसमेंट से बाहर जाने का रास्ता देख रही होती है तो उसकी नजर एक आदमी की नेक्ड डेड बॉडी पर पड़ती है। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वेन आरजे को ढूंढने बर्न हाउस में जाता है। वहाँ उसके पैर में एक बड़ी और मोटी सी कील चुभ जाती है। वो दर्द से चिल्लाता है, वहीं गिर जाता है। फिर उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो एक होल से बाहर झांक के देखता है तभी कोई उसकी आंख में मोटी कील घुसा देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं हम पर्ल को देखते हैं। फिर वहां जैक्सन की नींद भी खुल जाती है और वो बाहर आता है और बाहर उसे हावर्ड मिलता है। हावर्ड उससे कहता है कि उसकी बीवी पर्ल मिसिंग है, वो उसकी मदद करे और जैक्सन हावर्ड की मदद के लिए उसके साथ चल देता है। वो लोग लेक के पास पर्ल को ढूंढ रहे होते हैं पर उन्हें वहां पर्ल नहीं मिलती। जैक्सन पर्ल को सब जगह देखता है पर उसे पर्ल नहीं मिलती। पर हाँ, उसे पानी में डूबी एक कार दिखाई देती है। जब जैक्सन हावर्ड से उसके बारे में पूछता है तो हावर्ड बताता है कि अक्सर वहाँ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बिना कपड़ों के घूमते रहते हैं, जिन्हें देख के उनकी वाइफ पर ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब मैक्सिन की आंख खुलती है तो पर्ल को अपने पास लेटा हुआ देख के वो बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर बॉबी भी वहां आ जाती है और पर्ल वहां से बिना कपड़ों के ही भाग जाती है। अगले सीन में लोरेन बेसमेंट से निकलने की कोशिश करती है और दरवाजे में छोटा होल करके दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। तभी वहां हावर्ड आ जाता है। वो उसके हाथ पर जोर से वार करके उसका हाथ ही तोड़ देता है। हावर्ड टीवी की आवाज बढ़ा के वहां से चला जाता है। फिर बॉबी घर के बाहर सबको ढूंढने जाती है। बॉबी जब लेक के पास पहुंचती है तो लेक के पास उसे पर्ल बिना कपड़ों के दिखाई देती है। बॉबी तो उसे संभालती और उसे कपड़े से ढकती है पर पर्ल बॉबी को जोर से तमाचा मारती है और उसे पानी में धक्का दे देती है। पानी में मगरमच्छ बॉबी को मार डालता है। तभी वहां हावर्ड भी आ जाता है। फिर हावर्ड और पर्ल घर जा रहे होते हैं तभी मैक्सिन उन्हें देख लेती है और छुप जाती है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि चार लोग मारे जा चुके हैं। वो लोग अपने कमरे में आते हैं तो पर्ल हावर्ड से पूछती है क्या वो अब भी सुंदर है, तो वो कहता है कि वो हमेशा से ही सुंदर थी। पर्ल हावर्ड के साथ इंटीमेट होने लगती है पर हावर्ड मना कर देता है। पर पर्ल बोलती है कि वो कर लेगा तो वो लोग इंटीमेट होने लगते हैं। मैक्सिन उनके बेड के नीचे ही छुपी हुई थी और वो धीरे धीरे रेंगते हुए वहां से बाहर चली जाती है। वो गाड़ी की तरफ भागती है। वहां उसे आरजे की डेड बॉडी दिखाई देती है। गाड़ी में उसे चाबियां नहीं मिलती है तो वो वापस हावर्ड के घर में चाबियां लेने जाती है। वहां उसे लोरेन की आवाज आती है। वो लोरेन को बेसमेंट से बाहर निकालती है। लोरेन काफी घबराई हुई थी और घर से बाहर भागती है। जैसे ही वो बाहर कदम रखती है वहां हावर्ड उसे शूट कर देता है। ये देखकर मैक्सिन वहीं छुप जाती है। फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वो लोग सबकी डेड बॉडी को लेक में ही डंप कर देंगे। फिर वो लोग लोरेन की डेड बॉडी को खींचकर अंदर ला रहे होते हैं पर लोरेन की बॉडी में अब भी थोड़ी जान बची होती है। उसके खांसने की आवाज सुनकर हावर्ड डर जाता है जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाता है। फिर मैक्सिन बाहर आती है और पर्ल पर गन तान देती है और उससे गाड़ी की चाबियां मांगती है। पर्ल उसे चाबियां दे देती है। पर्ल मैक्सिन से कहती है कि वो भी उसके जैसे ही है, वो भी एडल्ट मूवी में काम करती है। इस पर मैक्सिन उस पर गोली चलाती है पर वो गन खाली होती है। फिर पर्ल हावर्ड की गन उठाती है और मैक्सिन पर शूट करती है पर ज्यादा फोर्स होने की वजह से पर्ल बाहर जा गिरती है। मैक्सिन को कुछ नहीं होता, वो बच जाती है। हावर्ड भी मर चुका होता है। फिर मैक्सिन बाहर जाती है और गाड़ी से पर्ल का सर कुचल देती है।
फिर वो गाड़ी से बहुत दूर निकल जाती है। फिर मूवी की शुरुआत का ही सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस ऑफिसर तहकीकात कर रहे होते हैं। फिर टीवी पर वही प्रोग्राम चल रहा होता है। वो प्रीच की स्पीच के आखिर में हम टीवी पर मैक्सिन की फोटो देखते हैं, जिससे पता लगता है कि मैक्सिन उन्हीं प्रीच की बेटी है जो भटक गई थी। पुलिस वालों को आरजे का कैमरा मिलता है। उन्हें लगता है कि इसमें हॉरर मूवी शूट की गई होगी, पर उसमें एडल्ट मूवी होती है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी में कई सारी मूवी का रेफरेंस लिया गया था। एक और फैक्ट ये है कि पर्ल और मैक्सिन का रोल एक ही एक्ट्रेस ने निभाया।